Hey everyone, welcome to Shun's IAS. I am Shivangi Sharma and here I am with the last chapter of our history of class 9th. So the last chapter, which is chapter number 5, the name of the chapter is Pastoralists in the Modern World. So the chapter is going to be very interesting because हम pastoralists के बारे में पढ़ने वाले हैं. So ये कौन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे रहते हैं, everything we are going to discuss in the chapter. So without any further delay, let's start. So यहाँ पे है, we have the first photo. So यहाँ पे देखो, we have a lot of like sheep and goats over there. So basically आपको इनको देख के कुछ तो याद आ रहा होगा ना कि दो तीन लोग having a lot like hundreds में अपनी sheep and goats लेके और परे ट्रैवल करते हैं. आप लोगों ने काफ़ी टाइम देखा होगा आई गेस, ठीक है. सो यहाँ पर है शीप ग्रेजिंग हो रही है ईस्टर्न गढ़वाल में. सो गढ़वाल इज़ द रीजन ऑफ उत्तराखंड. ओके, सो उत्तराखंड में है गढ़वाल, ठीक है. सो यहीं पे जो है, यहाँ पे इतने सारी शीप्स है और ये चल रहे हैं, ठीक है. सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ चैप्टर. सो आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा आई गेस, सो विद द फोटो. सो चलो, सो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट. सो नोमैड्स कौन होते हैं? नोमैड्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते हैं. वो मतलब दे कीप ऑन ट्रैवलिंग लाइक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू द अनदर प्लेस, ठीक है. सो क्यों ये इतना ट्रैवल करते हैं? बिकॉज फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है. इनका मेन जो रीज़न होता है इतना ट्रैवल करने का, इतना मतलब मूव होते करते रहने का, डैट इज़ फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है. जो पेस्टोरलिस्ट लोग होते हैं बेसिकली वो अपने साथ अपने हर्ड्स में गोट्स और शीप्स के साथ चलते हैं, ठीक है. या तो आपके पास गोट्स होंगी, या तो शीप्स होंगे, या तो आपके पास कैमल्स होंगे, या तो केटल्स होंगी, ठीक है, बड़े बड़े केटल्स, ठीक है. सो ये होते हैं हर्ड्स में होते हैं, काफ़ी लार्ज नंबर में होते हैं और इनको ये जो है साथ में लेके चलते हैं, ठीक है. सो दैट आर पेस्टोरलिस्ट. सो जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो हिस्ट्री में हमने इतना कुछ ज़्यादा उनके बारे में पढ़ा नहीं है, अभी तक भी नहीं पढ़ा, ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम पेस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. नोमैड्स तो हमने पहले भी डिस्कस करे हैं बट पेस्टोरलिस्ट नहीं करे हैं, ठीक है. सो अब ऐसा तो नहीं है कि इनकी लाइफ मैटर नहीं करती, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है बिकॉज ये मॉडर्न हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री से लेके मतलब पास्ट हिस्ट्री में काफ़ी फिगर्स थे बट मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी जगह नहीं है इनको मेंशन किया गया. सो अभी हम देखते हैं कि पेस्टोरलिस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है सोसाइटीज़ में. बेसिकली अगर हम इंडिया और अफ्रीका जैसे सोसाइटी की बात करें जहाँ पे ये लोग काफ़ी लार्ज नंबर में है पेस्टोरलिस्ट, तो ऑफकोर्स ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है. सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी पेस्टोरलिस्ट है इनके लाइफ में कैसा इफेक्ट पड़ा बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म. ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स ने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो ट्राइब्स हो, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट्स हो, चाहे ये पेस्टोरलिस्ट हो, चाहे पीजेंट्स हो, किसी को नहीं छोड़ा, सभी के नाक में दम करके रख दिया था इन्होंने. सो जो हमारे पेस्टोरलिस्ट थे इनको भी कुछ प्रॉब्लम आई थी. सो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में. पहले हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अफ्रीका की तरफ, ठीक है. सो जो पेस्टोरल नोमैड्स होते हैं और उनकी मूवमेंट कैसी होती है वो हम पढ़ लेते हैं. तो जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल एक पेस्टोरल ग्रुप है. सो जो कि बहुत ही ग्रेट होल्डर है, बहुत ही लार्ज नंबर पे ये लोग गोट्स और शीप्स को लेके चलते हैं, ठीक है. सो ये 19th सेंचुरी से ऐसे माइग्रेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अपने अपने एनिमल्स के लिए पैस्चर्स ढूंढने के लिए, विच इज़ पैस्चर्स मतलब जो वो खाते हैं, ठीक है. सो अपने चारा ढूंढते हुए, ठीक है. सो काफ़ी दशकों से बेसिकली इन्होंने मतलब करते क्या है, बेसिकली इनकी मूवमेंट ये होती है कि सो सपोज आप ये पहाड़ के, ठीक है. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर. सो जब सर्दियाँ आती है तो ऑफकोर्स पहाड़ जो है वो मतलब स्नो से कवर हो जाते हैं. सो ये लोग उस टाइम जब प्लेन्स इलाका होता है, मतलब जो फॉरेस्ट वाला इलाका या जब प्लेन्स वाला इलाका है वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है. और जैसे ही समझ आती है वैसे ही वापस चले जाते हैं अपनी जगह पे. दे इतना सिंपल से इनका मूवमेंट होता है, ठीक है. सो मतलब समर्स पे अलग जगह जाते हैं और विंटर्स पे ये अलग जगह होते हैं, ठीक है. जब बहुत हाई माउंटेन स्नो से कवर होते हैं तो वो शिवालिक रेंज में आकर हर्डिंग करते हैं.
और जैसे ही गर्मी आती है, अप्रैल का एंड होता है, तो वो वापस चले जाते हैं अपना अपने पहाड़ों पे। ठीक है। और ऐसे जो ये जब ये ग्रुप बना के चलते हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज जब साथ में होके चलती है, तो इनको हम खली काफिल सॉरी काफिला बोलते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड काफिला। सो जैसे समर आता है, स्नो मेल्ट हो जाती है, तो लश ग्रीन जो है ग्रास हो जाती है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस फॉरेज होता है एनिमल्स के लिए। सो वो चले जाते हैं फिर से वापस। सो यहाँ पर हमारे पास है बकरवाल्स के बारे में। ठीक है। सो जैसे ही सेप्टेम्बर का एंड होता है, वो फिर से मूव ऑन कर जाते हैं। और ऐसी जो इनकी जर्नी होती रहती है, बेसिकली इनका जो है ये मतलब समर्स और विंटर्स के बेसिस पे ये बेसिकली मूवमेंट करते हैं। सो वैसे ही एक बहुत ही डिफरेंट जो माउंटेन्स का एरिया है, डैट इज़ हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा ही सिमिलर जो गद्दी शेफर्ड है, गद्दी शेफर्ड। ठीक है। सो जो गद्दी लोग होते हैं, वो भी इसी तरीके से जो है सीजनल मूवमेंट करते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं तो प्लेन इलाकों में आ जाते हैं, जंगलों के इलाकों में। जैसे ही समर्स आते हैं, तो ये वापस अपने पहाड़ों की तरफ चल पड़ते हैं। ठीक है। सो बेसिकली इनका भी यही होता है। ठीक है। तो ये ज़्यादातर विंटर्स अपने जो लो शिवालिक रेंज में स्पेंड करते हैं, जहाँ पे जो इनकी फ्लोक्स है, मतलब वो स्क्रब वगैरह खाते हैं फॉरेस्ट की। और अप्रैल के टाइम पे ये फिर से नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, और अपना जो समर है वो लाल स्पीति में स्पेंड करते हैं। ठीक है। जब स्नो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, सो लाल स्पीति इज़ द प्लेस। ठीक है। जब स्नो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, तो वो और ज़्यादा हायर माउंटेन्स में चले जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, हमारे पास पालमपुर एक जगह है हिमाचल प्रदेश में। सो वहाँ पर उल वैली के पास, जो उल वैली है पालमपुर में, उसके पास हमारे पास गद्दी बैठे हैं यहाँ पे। सो ये वेट कर रहे हैं कि कब ये लोग चलो चलेंगे, तो हम भी चल पड़ेंगे फिर। सो देखो ये तो थोड़ा सा फोटो है। सो कितना सारा इनके पास मतलब केटल ये होते हैं पेड़ बकरी। ठीक है। सो जैसे सेप्टेम्बर आता है, फिर वैसे वो वापस चले जाते हैं। फिर से वो आते आते जो है लाल स्पीति में उनके विलेजेस होते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, और फिर अपना समर्स हार्वेस्ट वगैरह करते हैं, अपने विंटर क्रॉप को उगा मतलब बो देते हैं। उसके बाद फिर से वो निकल जाते हैं शिवालिक हिल्स के तरफ। नेक्स्ट अप्रैल फिर से सेम साइकिल चलता है। ठीक है। ईस्ट की तरफ अगर हम जाए, सो गढ़वाल और कुमाऊँ रीजन, डैट इज़ इन उत्तराखंड। ठीक है। वहाँ पर जो गुज्जर केटर हर्डर है, वो मतलब ड्राई फॉरेस्ट पे आते हैं। ठीक है। जिनको भाबर बोला जाता है इन द विंटर, और जैसे समझ आती है उस टाइम पे वापस बुग्याल्स में चले जाते हैं। सो बुग्याल्स इज द बेसिकली द प्लेस, एक बड़ा बड़ा मीडो जहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। ठीक है। और बेसिकली इनमें से जो ओरिजिनली होते हैं, ये जम्मू कश्मीर से या फिर यूपी मतलब यूपी के हिल्स के होते हैं, फिर ये यहाँ के बस जाते हैं इन सर्च ऑफ गुड पास्चर्स। सो ये जो साइकिलिंग मूवमेंट है, ये समर्स और विंटर्स का, ये सारे जो भी ऐसे हिमालयस के जो लोग हैं, जैसे कि जिसमें भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, ये सारे लोग आ जाते हैं। सो क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे इतना ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, सो उस बेसिस पे जो है वहाँ पे घास नहीं होती, सो उस बेसिस पे जो है ये मूवमेंट करते हैं। अब ये तो माउंटेन्स वाले थे, अब जो प्लेट्यू प्लेन्स और डिजर्ट्स वाले, इनकी मूवमेंट कैसी होती है? सो सारे मतलब जो पेस्टलिस्ट होते हैं, वो माउंटेन्स पे नहीं होते हैं, कुछ प्लेट्यूज प्लेन्स और डिजर्ट्स में भी होते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी है महाराष्ट्र की, जिनका नाम है ढांगर। ठीक है। सो अर्ली 20th सेंचुरी में उनका पॉपुलेशन वॉज अराउंड 4,67,000। ज़्यादातर इनसे जो थे, डैट वॉज शेफर्ड, और जो और कुछ जो थे वो कंबल बनाते थे, और उनमें से कुछ जो वो बफेलो हर्ड होते, यानी कि भैंस पालते थे। सो जो ढांगर शेफर्ड्स थे, वो सेंट्रल प्लेट्यू में रहते थे महाराष्ट्र के, जब मानसून आता था। ठीक है। सो दे वर डिपेंडेंट, जैसे जो जो भी पहाड़ के लोग थे, जो भी माउंटेन रीजन के, वो विंटर्स और समर्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट करते थे, बट सेंट्रल जो प्लेट्यूज वाले थे, डैट वो मानसून के अकॉर्डिंग करते थे। ठीक है। ठीक है। ड्यूरिंग द मानसून, जब सेमी एरिड रीजन होता था विद लो फॉल एंड पुअर सॉइल, सो उस टाइम पे थोड़ी स्क्रब हो जाया करती थी। सो जब इतना गर्म हो जाया करता था, और कुछ भी नहीं उगा सकते थे, यानी ड्राई क्रॉप, बट सिर्फ बाजरा ही उस टाइम पे उगाया जा सकता था, ऐसी बिकॉज लैंड
भी पुअर हो जाती थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल। सो मानसून में ये जो ट्रैक था ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ जाता था ऑफ डांगर फ्लॉक्स। सो अक्टूबर तक जो डांगर्स थे वो हार्वेस्ट कर देते थे अपना बाजरा, ठीक है, बिकॉज वो आते थे बाजरा उगाते थे और उनके ज़्यादा टाइम तक बाजरा काटने के लिए भी तैयार हो जाता था। उसके बाद वो वेस्ट की तरफ चल पड़ते थे और जैसे ही मार्च आता था वो एक मंथ के लिए मतलब वो कोंकण में पहुंच जाया करते थे, वो कोंकण में रहते थे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक फोटो है राइका की कैमल्स जो कि घास ग्रेस कर रहे हैं थार रिजोर्ट्स में, द वेस्टर्न राजस्थान। वहाँ पर जब वो कोंकण पहुँचते थे तो कोंकण के लिए कोंकण के लोग जो थे वो उनका बहुत बहुत ही वार्म वेलकम करते थे, बिकॉज वहाँ पे उस टाइम पे खारिफ क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट हो रही होती थी और जो फील्ड थी वो फर्टिलाइज, तो मतलब फर्टिलाइज अभी क्योंकि अभी खरीफ क्रॉप कटी है तो ऑफकोर्स अभी लैंड थोड़ा टाइम लेगी फर्टिलाइज होने के लिए ताकि रबी मतलब हो सके। तो जो डांगर फ्लॉक्स थे वो मतलब उनके जो उनके जानवर है ऑफकोर्स वो कुछ खाएंगे तो वेस्ट भी निकालेंगे और जो वो वेस्ट होता है डैट इज़ गुड फॉर द लैंड। सो इसीलिए बदले में वो उनको मतलब थोड़ा सा राइस वगैरह दे दिया करते थे। सो इसलिए वो बहुत ही उनका वार्म वेलकम किया करते थे। तो जो शीप्स होते हैं वो इतना वेट मानसून कंडीशन नहीं टॉलरेट कर सकते हैं, इसलिए वो फिर से उनको मूव करना पड़ जाता है, ठीक है। सो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी जो ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू है वो स्टोन और ग्रास जैसी चीज़ों से कवर्ड है, बट कैटल गॉट और शीप हर्डर जो है वो वहाँ पे मतलब होते हैं। जो गोलास हर्डर जो गोलास है वो भी कैटल हर्डर है, और जो कुरुमाज और कुरुबाज है वो शीप्स और गोट्स को रियर करते हैं, और जो हाथ से बुने हुए कंबल होते हैं उनको बना के उनको बेचते थे, ठीक है। जंगलों के पास रहते हैं और स्मॉल स्मॉल पैचेस पे कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। वो पीटी थोड़े थोड़े ऐसे छोटे 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 मोटे ट्रेडर्स भी होते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि वो ब्लैंकेट्स बेचते थे, ठीक है। जैसे माउंटेन पेस्टलिस्ट मतलब बिकॉज ऑफ स्नो अपने मूवमेंट को चेंज करते हैं इधर पर, मानसून की वजह से ही चीज़ें मतलब मानसून और ड्राई सीजन की वजह से जो है वो चेंज किया जाता था, ठीक है। सो ड्राई सीजन में वो कोस्टल ट्रैक्स में चले जाया करते थे और आज छोड़ देते थे जब रेन आ जा जब बारिश आ जाती थी तो फिर वापस आ जाते थे। तो बफेलोस जो भी भैंस होती ना उनको ऐसे स्वाम्पी वेट कंडीशन अच्छा लगता है, कीचड़ में लदा रहना उनको अच्छा लगता है। सो सिर्फ वही लोग जो थे जो भैंस पालते थे वही पर वही मतलब वो वहीं पे रहते थे गीली जगहों पे, बाकी जो है वो ड्राई प्लेट्यू में शिफ्ट कर जाते थे। जब बंजारा है वो भी बहुत ही वेल नोन ग्रेजियर है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ठीक है। सो अगर आपको बेसिकली उनका मेन मोटिव यही होता है कि वो अपने जानवरों के लिए एक अच्छा लैंड ढूंढ सके जहाँ पे वो चर सके, तो लंबा लंबा डिस्टेंस भी कवर कर लेते थे, ठीक है। वो मतलब आप कैटल्स को यूज़ करते थे और उनको बेच भी दिया करते थे कभी कभी, ठीक है। और अदर गुड्स टू विलेजेस एन एक्सचेंज ऑफ ग्रेन एंड फोडर। सो बेसिकली वो क्या करते थे कि अपने एनिमल्स और जो भी अलग दूसरी चीज़ें उनके पास होती थी वो बेच देते थे ताकि बदले में उनके पास थोड़ा फॉर्डर आ जाए, मतलब अपने घर बस खाने के लिए चारा आ जाए और उनके लिए भी थोड़ा खाना आ जाए, ठीक है। वैसा अब जब रिजॉर्ट्स के बारे में बात आती है तो राजस्थान का एक जो नोमैड कम्युनिटी है रायकास, ठीक है। सो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल ही अनसर्टेन बारिश होती है, मतलब बारिश का तो नामो निशान ही नहीं होता दूर दूर तक, बहुत ही कम रेशो में बारिश होती है। तो जो कल्टीवेटेड लैंड है उसको तो हर साल हार्वेस्ट करना पड़ता है, तो काफ़ी ऐसे जगहों पर इतने बड़े बड़े जगह हो जाती थी जहाँ पे और जो है क्रॉप उसको ग्रो नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो राइकास ने जो है वो मतलब कंबाइंड कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया पैस्टोरिज्म के साथ। सो मॉनसून में जो राइकास थे बरमार के जैसलमोर के जोधपुर के बीकानेर के वो अपने ही घरों पे रहते थे, ठीक है, जब पेस्टर अवेलेबल होता था। और अक्टूबर में वो फिर से जब ग्राउंड ड्राई और एग्जॉस्ट होते थे तो वो ग्रेजिंग के लिए तो वो जो है और जगहों की तलाश में चले जाते थे और फिर से अगले मानसून के टाइम फिर से घर पर वापस
आ जाया करते थे। ऐसे ही एक ग्रुप है मारू, ठीक है, और जो रायकास है वो कैमल्स हर्ड करते हैं और शीप्स और गोट्स को पालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कैमल फेयर लगा है, मेला लगा है इनका, ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे खरीदना और बेचना का सिस्टम होता है। मतलब वो लोग अपनी अलग अलग तरीके की जानवर लेकर आते हैं, कि अलग अलग तरीके की नहीं, अलग अलग नस्ल के, मतलब सेम ही जानवर, जैसे यहाँ पे ऊँट का था ये, सो अलग अलग नस्ल के ऊँट, अलग अलग कद के, जो भी सबसे अच्छा है ऊँट उसके लिए बोली वगैरह लगती है, मतलब बेचने खरीदने का सिस्टम होता है यहाँ पे। सो जो पेस्टोरल ग्रुप्स थे उनकी लाइफ में भी चेंजेस आए काफ़ी रीज़न की वजह से, ठीक है। जो हर्डर्स थे वो एक जगह पे नहीं रह सकते थे क्योंकि उनको पानी और पेस्चर की ज़रूरत थी, और एक जगह अगर आप एक जगह पे रह रहे हो तो ऑफकोर्स वो पानी और वो पेस्चर ख़त्म हो जाता था, तो वो अगली जगह पे चले जाया करते थे, विच इज़ प्रिटी नॉर्मल, ठीक है, अगर हम देखें तो, ठीक है। एक जगह पे अगर घास ख़त्म हो गई है तो वो अपने जानवरों को भूखा तो नहीं छोड़ के देंगे, तो वो दूसरी जगह पर चले जाते, ठीक है। उसके अलावा वो काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करते, जैसे कल्टिवेशन, ट्रेड एंड हर्डिंग, ताकि वो अपनी लिविंग बना सके, ठीक है। अब इनकी लाइफ में क्या चेंज आया अंडर कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल एंड पास्टोरल लाइफ। तो कॉलोनियल रूल के अंडर जो पास्टोरलिस्ट थे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया, ठीक है। जो ग्रेजिंग ग्राउंड थे वो कम कर दिए गए, उनके मूवमेंट्स को रेगुलेट कर दिया गया, उनके रेवेन्यू बढ़ा दिए गए, और उनका जो एग्रीकल्चरल स्टॉक था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। ट्रेड और क्राफ्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। कैसे, इसके कुछ रीजंस ये है। पहला रीज़न कि कॉलोनियल स्टेट चाह रही थी कि जो भी ग्रेजिंग लैंड है वो उसको कल्टिवेटिव फार्म्स बना सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू आए और उनका फाइनेंस जो है वो थोड़ा बढ़ सके, ठीक है। सो मतलब मेन मोटिव तो इनका ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट करना ही था और देश से चोरी करना ही था, ठीक है। सेम टाइम पे जब वो चाह रहे थे कि और ज़्यादा जूट, कॉटन, वीट प्रोड्यूस हो, ताकि वो बाहर जाके जो है वो उनको बेच सके। कॉलोनियल ऑफिशियल ने बोला कि जो भी सारी अनकल्टिवेटेड लैंड है वो अनप्रोडक्टिव है, उससे कुछ नहीं हो सकता, उससे ना रेवेन्यू आएगा ना उस पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो सकती है, सो उसको वेस्ट लैंड बोल दिया गया, ठीक है। सो मिड 19th सेंचुरी में वेस्ट लैंड रूल्स जो थे उनको इनैक्ट कर दिया गया कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, और इन रूल के अंडर जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी वो किसी एक इंडिविजुअल की हो जाती थी, वो उसके ऊपर पावर तो क्या, मतलब आप बोल सकते कि वो उसका स्लिप लग जाती थी कि ठीक है ये मेरी है, बट वो जो लैंड थी वो आसपास के सभी लोगों की साथ में मानी जाती थी, ठीक है। तो कल्टिवेशन का जो एक्सपेंशन था वो काफ़ी लार्ज रेशियो में हुआ, और पेस्टोरलिस्ट का जो मूवमेंट है मतलब उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिले, ठीक है। सेकेंडली जो मिड 19th सेंचुरी थी उधर काफ़ी फॉरेस्ट एक्ट्स जो है उनको इनैक्ट कर दिया गया, जिसके अंडर भी कुछ फॉरेस्ट ऐसे थे जिनको बहुत ही ज़्यादा रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया, उधर कोई नहीं जा सकता था, कुछ प्रोटेक्टेड थे, ऐसे हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, कुछ प्रोटेक्टेड थे तो वहाँ पे जाने के लिए भी आपको ऐसे पूछना पड़ता था स्पेशली, और सो ऐसे जो मतलब ब्रिटिशर्स की वजह से ऑफकोर्स उन चीज़ों में चेंज तो आए, और काफ़ी फॉरेस्ट जो थे उनको प्रोटेक्टेड बोल दिया गया था, ठीक है। सो और पेस्टोरलिस्ट की जो मूवमेंट है इनमें उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, सिवरली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। जो कॉलोनियल ऑफिशियल थे उनको लगा कि जो ये जानवर होते हैं जब ये इनको खाते हैं अपना, तो ये उनके साथ साथ जब वो सैपलिंग्स को भी खा जाते हैं, उनके जो छोटे पौधे होते हैं उनको भी खा जाते हैं, और साथ साथ में वो ट्रीज़ की जो है वो रूट्स भी निकाल देते हैं ना, कोई भी प्लांट की जब वो खाते हैं तो साथ साथ में रूट भी निकाल देते हैं, तो उसकी वजह से जो आगे आने वाले टाइम पर ज़्यादा पेड़ पौधे जो वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट एक्ट है ये इनके वजह से जो इन पेस्टोरलिस्ट की लाइफ है उसमें काफ़ी चेंज हमें देखने को मिला, ठीक है। सो अब उनको काफ़ी फॉरेस्ट में जाने की अनुमति नहीं थी, और जो एरियाज था वो उसमें भी कभी कभी कहीं कहीं जो है वो एंट्री अलाउड थी, और उनके मूवमेंट्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए गए थे, और उनको बोला जा रहा था कि अगर तुम्हें
दे नीडेड परमिट फॉर एंट्री। सो ये जो टाइमिंग थी एंट्री की और डिपार्चर की, ये फिक्स कर दी गई, और कितने टाइम तक कौन फॉरेस्ट में कितना टाइम स्पेंड करेगा ये जो है वो स्पेसिफाई कर दिया गया। पेस्टलिस्ट जो कि और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा जिनको फोर्स नहीं मिल रहा था, तो अब वो क्या कर सकते थे, तो अब वो घास ही काट काट के खिला रहे थे, ठीक है, और फॉरेस्ट में भेज दिया करते थे कभी कभी, जब जिन फॉरेस्ट में उनको जाना अलाउड था। सो अब उनको मतलब दे हैड टू मूव बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट्स दैट इट हैड बीन इशूड टू देम नो रूल देयर लाइफ। द परमिट स्पेसिफाइड द पीरियड ऑफ मतलब कितने टाइम तक कौन रह सकता है, ये चीज़ जो वो स्पेसिफाई कर दी गई थी। तीसरा ये था कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मतलब नोमैडिक लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, उनको ऐसा लगता था कि विश्वास जो लोग एक जगह पर बैठते हैं, एक जगह पर रहते हैं, एक जगह पर जिनका घर है, वो उनके पास थोड़ी कॉमन सेंस होती है और उनको पता होता है कि कैसे रहना है बाहर, बाकी तो किसी को कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। सो फिर ऐसे पॉपुलेशन में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी थी और लोगों को प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ गई थी। सो जो नोमैडिक्स थे उनको क्रिमिनल कंसीडर कर दिया गया और बोला कि जो लोग एक जगह पे रहते हैं वो अच्छे हैं और जो ऐसे और पर घूमते रहते हैं ये लोग क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। और जो कनोलियल गवर्नमेंट है उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया और इस एक्ट के अंदर काफ़ी कम्युनिटीज जैसे क्राफ्टमैन, ट्रेडर, पेस्टोरलिस्ट, इनको क्रिमिनल ट्राइब्स बोल दिया गया था, ठीक है, और ये बिना परमिट के अब जो है वो और परे अब मतलब बिल्कुल भी चल मूव नहीं कर सकते थे। तीसरा चौथा रीज़न ये था कि अब उनको तो रेवेन्यू इनकम बढ़ाना है, तो जब लैंड बढ़ेगी तो रेवेन्यू इनकम बढ़ेगा, है ना, तो इसलिए उन्होंने अब क्या करने लग गए कि हर एक कैटल पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। मतलब टैक्स पहले से होता था बट अब जो है टैक्स की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई, ठीक है। और 1880 में गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था पेस्टोरलिस्ट से भी, और उनको एक पास दिया गया था, ठीक है, और उनको ग्रेजिंग ट्रैक में एंटर करना है तो उनको वो पास और टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। हाउ डिड दिस चेंज अफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट? सो जब ग्रेजिंग हो रहा था मतलब तो उस टाइम पे जो पेस्टोर लैंड है वो डिक्लाइन हो रही थी, सो यही रीज़न था बेसिकली। सो जो शेफर्ड्स थे और जो कैटल्स थे वो और ज़्यादा फ्रीली जो है वो घूम नहीं सकते थे फॉरेस्ट में, तो जो पेस्टोर लैंड है वो डिसअपेयर हो रहा था, और जिसकी वजह से इंटेंसिव ग्रीनिंग ऑफ पेस्टर्स की प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी। और जो यूजुअली जो नोमैडिक होते थे पेस्टोरिस्ट, वो एनिमल्स को एक जगह पे ग्रेस करते थे फिर दूसरी जगह पे जाते थे, ठीक है। ये जो पेस्टोरल मूवमेंट है ये नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ के लिए अलाउ कर दी गई थी उस टाइम पे, ठीक है। सो ग्रेजिंग लैंड थी वो ऑफकोर्सली कंटिन्यूसली यूज़ की जा रही थी, ठीक है, और जिसकी वजह से जो जो क्वालिटी ऑफ पेस्ट पेटर्स पेटियोज थी वो कम होती जा रही थी, फॉरेस्ट की शॉर्टेज पड़ गई और भी काफ़ी सारी चीज प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही थी। काफ़ी अंडरफेड कैपिटल जो कैटल हैं उनकी डेथ हो रही थी क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था जितना खाना उनको एटलीस्ट चाहिए। हाउ डिड पेस्टोरलिस्ट कोप विद दिस चेंजेस? सो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई या बोल सकते हो कि मतलब कैसे हैंडल करा। सो उन्होंने बेसिकली लोगों ने ऐसे डिस्कवर करने लगे कि जो पेस्टोरल्स हैं उनको इतना मतलब जब वो मूवमेंट करते हैं इतना ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड से तो ऑफकोर्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। और 1947 में जो कैमल शीप्स थे और जो हर्डिंग राइकास थे वो उनको भी ज़्यादा मतलब सिंध और कैमल्स के जो ग्रेज है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जबकि बिकॉज वो सब कुछ उन्होंने पहले भी देखा हुआ था। तो जो नई पॉलिटिकल बाउंड्रीज है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो कुछ टाइम के लिए रुक गई और सो दे हैड फाइंड न्यू प्लेस टू गो। हरियाणा वर शीप कैन ग्रेज ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो उस टाइम पर लिखी जाती थी टैक्स वगैरह के ऊपर।
ओवर द ईयर जो रिचर पेस्टलिस्ट थे और जो लोग लैंड खरीद ले थे और सेटल डाउन हो रहे थे उस टाइम पे नोमैडिक लाइफ जो है वो कम होती जा रही थी, लोग अपने ही घर बना रहे थे बिकॉज ठीक है सो लोग अभी भी कैटल और शीप रखते तो थे और लेबर भी बनते थे, बट कुछ हद तक मतलब मैक्सिमम लोग जो आजकल मिस्त्री बुला लेते थे ठीक है। सो जो पेस्टलिस्ट थे वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे सर्वाइव करना बिकॉज काफ़ी ऐसी चीज़ें थी तो उनको डर लग रहा था कि डेट दे फील और एनी अदर थिंग ठीक है। सो हर्ड का टाइम हर्ड का जो साइज है वो कम हो गया और पेपर में काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिले हम लोगों को ठीक है। पेस्टलिस्ट्स इन अफ्रीका, सो अगर हम अफ्रीका की तरफ जाएँ तो अफ्रीका में वर्ल्ड का मतलब ओवर देन हाफ लोग रहते हैं और अफ्रीका पे भी जो पेशल अफ्रीका की जो पेशल एक्टिविटी है वो लिवलीहुड के लिए है ठीक है। सो इसमें काफ़ी कम्युनिटीज़ है जैसे बदोनीस, बोबर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना। सो ज़्यादातर ये जो है कैटल, कैमल, गोट, शीप और डोंकीज ही बनाते हैं ताकि वो मीट, मिल्क, एनिमल स्किन और वूल बेच सके ठीक है, और ट्रेड और ट्रांसपोर्ट से ये जो है थोड़ा बहुत अर्न कर लेते थे। अगर हम ऐसे डिस्कस करें तो एक है मसाई कैटल, सो मसाई कैटल हर्ड जो है वो ईस्ट अफ्रीका में रहते थे ठीक है और इन सदर्न केन्या और अनदर 150,000 इन तंजानिया ठीक है। सो उन्होंने देखा ठीक है, सो उन्होंने बोला कि जो लैंड है वो रेस्ट्रिक्ट हो जानी चाहिए, इनकी मूवमेंट वगैरह नहीं होगी, ये सब कुछ हम बंद करवा देंगे ठीक है। सो ग्रेजिंग लैंड जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी कम होती गई, उधर कल्टीवेटेड लैंड बना दी गई और इधर बहुत सारी चीज़ें उगाने लग गए और जो इन जो भी जानवरों की जगह थी वो सारी जगह जो है वो बंद कर दी गई थी। मसाई को साउथ केन्या और नॉर्थ तंजानिया जैसी छोटी छोटी जगहों पे बेच दिया गया और मसाई ने अपना 60% तक कॉलोनियल रूल जो है कॉलोनियल जो भी राज है वो उनसे छूट गया था। फ्रॉम सो प्री कॉलोनियल टाइम में जब मसाई पेस्टलिस थे वो डोमिनेट करा उन्होंने अपने ही एग्रीकल्चरल नेबर्स और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली खुद को ही। सो ज़्यादातर जो एरिया है वो ग्रेजिंग लैंड ठीक है, मतलब अब जब इतना लैंड ग्रेज हो रहा है तो ऑफकोर्स सब लोगों को लग रहा था कि इतना लैंड ग्रेज हो रहा है तो कमी भी पड़ सकती है, सो इनको भी रिजर्व करना चाहिए और काफ़ी सारी आइसक्रीम सबने फिर भी खा ली थी उस टाइम पर। पेस्टलिस्ट अलो नहीं थे कि वो सर्विसेज में जा सके और वो एनिमल का हंट कर सके ठीक है। सो उनके पास जो है वो रेगुलर ग्रेजिंग ग्राउंड्स होना चाहिए मसाई हर्ड्स के पास ठीक है। बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए और लोग जो है वो ट्रैवल नहीं कर सक रहे थे, तो बेसिकली मेन प्रॉब्लम यही थी कि ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बहुत ही सारे ऐसी चीज़ें लाई जिसकी वजह से लोग जो है वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे ठीक है। वो अलोन को अलोन ही था कि वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके मतलब कुछ परमिट कर सके, कुछ जगह खरीद सके या फिर कुछ बेच सके। सो उसकी वजह से जब मार्केट में जो गोरे लोग ज़्यादा आ गए और उनका डोमेन फैल गया ठीक है, सो इसकी वजह से काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उस टाइम पे। जो पेस्टलिस्ट से और जो एक्टिविटीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी सभी को जो है मतलब इफ़ेक्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था वो ठीक है। सो कॉलोनियल रूल में कुछ रेस्ट्रिक्शन थे एंटायर ताकि पूरी तरीके से जो है ट्रेडिंग को स्टॉप कर दिया जाए ठीक है। सो वेन पेस्चर्स ड्राई, जब रेनफॉल और पेस्चर्स सूख जाते थे तो कैटल्स जो है वो मतलब उनको भूख लगती थी इसलिए लोग अब दूसरी जगह पे चले जाते थे ठीक है। वो प्लेस टू प्लेस जो है वो जाते रहते थे जो हमने पढ़ा ठीक है। जब मसाई थे वो फिक्स्ड एरिया के थे और कन्फाइंड थे एक मतलब सर्विसेज में। सो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है ठीक है। सो
दे कट ऑफ द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड, ज़्यादातर जो अच्छी ग्रेजिंग लैंड थी उनको काट दिया गया, और सेमी एरिक ट्रैक प्रोन फ्रिक्वेंट ड्राउट्स, जब ऐसी सारी चीज़ें आती थी तब तो मतलब ऐसी भुखमरी आती थी, फेमाइन वगैरह आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते थे उस टाइम पे, ठीक है। और इसी की वजह से लोगों ने जो है वो जानवर पालने भी कम कर दिए थे। सभी को इक्वली नहीं इफेक्ट पड़ा था, कुछ लोग ऐसे थे जो कि ट्रेड पे ज़्यादा डिपेंड करते थे, जो कि इन चीज़ों पे जो कि जो भी चीज़ें थी उनको बेच के ज़्यादा पैसे कमाते थे एज़ कम्पेयर टू ऑल दिस। सो उन लोगों को जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, अभी भी काफ़ी लोगों को जो है वो मतलब वो अभी भी ठीक थे, ठीक है। वॉरियर्स सॉरी, सो सोशल जो भी सोशल चेंजेस थे मसाई सोसाइटी में वो दो लेवल में थे। पहला ये कि ट्रेडिशनल डिफरेंस जो है वो एज बिटवीन एल्डर्स और वॉरियर्स का वो बदले, और उसके अलावा जो वेल्दी और पुअर के बेसिस पे डिस्टिंक्शन है, ठीक है। सो कंक्लूजन यही है कि कैसे मोबिलिटी और मतलब चीज़ों की वजह से गलत यूज़ भी हो सकते हैं, अच्छे यूज़ भी हो सकते हैं, और उसके अलावा कौन कौन क्या क्या क्राइम करता है, कैसे कैसे न्यू लॉज और न्यू बॉर्डर लॉज निकल करके आ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक इट। सो यस, थैंक यू वेरी मच।